भिकनगांव के जनपद सीईओ और गंधवानी के सब इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में टीकमगढ़ में पंचायत कर्मचारियों और संयुक्त मोर्चे ने आक्रोश जताया है। मानसिक प्रताड़ना के कारण उठाए गए इस कदम की पंचायत कर्मचारियों ने आलोचना की है और मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री के नाम निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर सरकार पंचायत कर्मियों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो फिर भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। गौरतलब है कि भिकनगांव में जनपद पंचायत सीईओ राजेश बहुती और गंधवानी के सब इंजीनियर प्रवीण कुमार ने मानसिक प्रताड़ना के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से कर्मचारियों में खासा आक्रोश है। गोडेगांव में भी कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर एसडीएम सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जनपद सीईओ से लेके और जीआरएस तक जितने भी हमारे कर्मचारी संगठन हैं, सब लोगों का संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया गया है। एक्चुअली मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न योजनाओं में नंबर वन बनने की जो अंधी दौड़ और होड़ चल रही है, उसकी परिणति स्वरूप हमारे दो साथी भिकनगांव के सीईओ साहब श्री राजेश बहुती जी और गंधवानी के उपयंत्री श्री प्रवीण पवार जी ने आत्महत्या कर ली है। उस दबाव को वो झेल नहीं पाए हैं, उसके विरोध में हम सब लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण करके अपनी मांगों को लेके और ये कि एक जो नंबर वन बनने की होड़ है, इस होड़ को ख़त्म किया जाए, व्यवहारिक तरीके से कार्य कराया जाए, हम लोगों पे कर्मचारियों पे इतना दबाव ना बनाया जाए कि आदमी आत्मघात की ओर प्रेरित हो। चार प्रकार के ज्ञापन दिए हैं संयुक्त मोर्चा जो जनपद पंचायत और हमारा जो पंचायत विभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारी मिलकर उन्होंने दिया है। जो कार्यशैली और उनके जो टारगेट्स हैं, जो एक दो आत्महत्या के केस हुए हैं, उससे संबंधित जो उनकी मांगें हैं वो विधिवत बिंदुवार उन्होंने दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, और भी 3-4 ज्ञापन वो दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।